ईद ना तो पैसों से होती है और ना अच्छे कपड़ों से। ईद तो होती है अपनों से, जब अपने मनो मट्टी के नीचे दबे हुए हों तो वो तब बड़ी शिद्दत से याद आते हैं जब कोई खुशी का मौका हो। ईद के दिन सुबह सवेरे हमारे गांव के लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं और उनके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। उसके बाद घर वापस आकर मीठी सेवइयां खाते हैं और फिर ईदगाह की तरफ रुख करते हैं। हमारे गाँव में सुन्नत के मुताबिक ईद गांव से बाहर अदा की जाती है, जिसमें ख़वातीन भी हिस्सा लेती हैं और मर्द हजरात भी। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया जाता है और मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम किया जाता है। हमारे गांव का स्कूल ही ईदगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गांव से कुछ ही फासले पर वाकिया है। आज की वीडियो में ईद है, तो अभी हम ईद के आपको वीडियोस दिखाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सब लोग जिहड़े रस्ते चाहुंदे जल्दी जल्दी आ जाण। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल्हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुभानल्लाहि बुकरतौ वासीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद के मौका पर मौलवी साहब खुतबा पढ़ते हैं। और फिर जैसे ही ईद की नमाज ख़त्म होती है तो तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद सबसे पहले ख़वातीन को वहाँ से रवाना किया जाता है, ताकि ख़वातीन वहाँ से पहले रवाना हो सकें और उसके बाद मर्द हजरात ईदगाह से अपने अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। ईद पड़ने के बाद गांव के बाहर लगे स्टॉल्स पर से खरीदो फरोख्त करते हैं, ताकि घर पहुंचकर ईद के लिए खाना वगैरह तैयार करवाया जा सके और ईद के पकवान तैयार करवाए जा सकें। इसके बाद घर के अफराद अपने बुज़ुर्गों से मिलते हैं, उनसे प्यार लेते हैं, उनको ईद मुबारक कहते हैं और उनसे दुआएं वसूल करते हैं। तो नमाज पढ़ के आ चुके हैं और अभी मुझे ईदी भी मिल चुकी है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैसे अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आपने मेरी पिछली ईद की वीडियो देखी होगी तो आपने ये वाला घर तो पूरा देखा ही होगा। एंड गाइस, ये है मियां चन्नू और इधर हम लोग अपनी इतनी ईद मनाते हैं और इधर से ही मुझे ईदी मिली है। तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।